अस्सलाम वालेकुम मिन्हाज, आज मैं आपसे सेकंड किस्सा अपना शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे साथ ही हुआ और ये मलेशिया का है। 18 साल पहले का है ये, तकरीबन 18 साल पहले हमारी जब शादी हुई तो हमने सोचा कि हनीमून के लिए हम लोग मलेशिया जाएं। तो वहाँ पे जेंटिंग्स हाइलैंड्स एक जगह है जो उनका हिल स्टेशन है, तो वहाँ पर हमने प्लान बनाया विज़िट का। तो हम लोग केएल में लैंड किया और फिर हमें बस विज़िट पे जाना था, तो हम चले गए वहाँ पे अपना बेसिक्स उठा के, अपना पर्स वर्स उठा के। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो नाइट स्टे का कोई प्लान नहीं था, हमारे पास कोई रूम नहीं था वहाँ के लिए, हमारा रूम केएल में था, हमारा लगेज भी वहीं था। तो वहाँ पे हम पहुँचे, केबल कार वगैरह थी, तो हस्बैंड को शौक़ हुआ कि उस ज़माने की, जहाँ तक मुझे याद है, इट वॉज़ सपोज टू बी द हाइस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड। तो वहाँ के फॉरेस्ट वगैरह से जब हम गुज़रे ऊपर से तो बड़ा अच्छा लगा, तो हस्बैंड को ये शौक़ हुआ कि भाई हम रात यहाँ गुजारेंगे और सुबह में जल्दी निकलेंगे वो देखते हुए, सनराइज़ देखना है यहाँ का। तो हम गए जेंटिंग्स में, थोड़ा बहुत घूमे, फिर इसका ख्याल आया नाइट स्टे का, तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग वहाँ गए। अच्छा, अब हमें समझ नहीं थी इस बात की कि यहाँ पे कैसिनोज़ हैं तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से रूम मिलता है, स्पेशली बिकॉज़ इट वाज़ अ वीकेंड। तो वीकेंड था तो रूम एक ही अवेलेबल था, जो तमीज़ का जो होटल था ना वहाँ पे एक ही अवेलेबल था, मैं होटल का नाम नहीं लूँगी। तो बहरहाल मैंने कहा चलो ठीक है जो भी है, बेसिक्स है वो है। इट वाज़ नॉट जो वैसा सा होटल होता है, बिल्कुल ही गुजारे लायक वाला नहीं था, इट वाज़ अ प्रॉपर 4-स्टार होटल, लेकिन उसका एक ही रूम था, या तो फिर हम किसी वैसे से ऐसे ही से उसमें जाते। तो मिल गया हमें, हम वहाँ रूम में गए तो रूम बड़ा ग्लूमी सा, अजीब सा, और मैंने कहा यार ये ऐसा होटल, मतलब द होटल इज़ सपोज टू बी अ गुड वन, लेकिन रूम इतना ग्लूमी सा। तो हमने कॉन्सियर्ज पे फ़ोन किया और हमने कहा भाई ये यहाँ पे तो फ़ैन भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, फ़ैन नहीं होता हमारे यहाँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी हो जाती है। मैंने कहा अच्छा, ये विंडो क्यों नहीं खुल रही इसकी? तो उन्होंने कहा नहीं, विंडो हम नहीं खोलते, बस ये इतनी सी खुलेगी बिकॉज इट गेट्स वेरी कोल्ड इन द इवनिंग। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। बहरहाल हमने अपना फ्रेश हुए और फिर हम बस निकल गए, क्योंकि हमें तो थीम पार्क वगैरह जाना था। घूमे फिरे चलते चलते मज़ा आया। अच्छा, फिर वहाँ पे ज़रा हमें वैसा सा क्राउड मिला जो कैसीनो ओरिएंटेड क्राउड था। तो रात के 2 बज रहे थे, हमने अपना कॉफ़ी वगैरह पी और हम आ गए ऊपर रूम में। क्योंकि फिर क्राउड ऐसा था जो कि हमें, मतलब वो सही नहीं लग रहा था, और फिर वो कैसीनो वाला क्राउड था, हमें कैसीनो नहीं जाना था, तो हम आ गए ऊपर। अच्छा, अब पहले मेरे हस्बैंड वॉशरूम गए, आके वो लेट गए, उसके बाद फिर मैं गई। अब मैं निकली तो मैंने देखा कि हस्बैंड जाग रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा ये वही दिन है जिस दिन हमने लैंड किया है और हमने हबड़ दबड़ करके जेंटिंग्स भागे हैं हम केएल से, तो जाहिर बात है बोथ ऑफ अस वर टायर्ड। तो मैंने कहा है ये सोई नहीं, मैं अच्छा चलो खैर। अच्छा, उसके बाद फिर मैं लेटी। अब जैसे ही मैं लेटी हूँ तो मुझे खिड़की के पास 3 शेडोज़ नज़र आए। मैंने कहा ओ वेल, तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, मैं कहा आयतल कुर्सी पढ़ूँगी, भाग जाएंगे ये। अच्छा, हस्बैंड को भी मैं देख रही हूँ जाग रहे हैं, तो मैंने कहा क्या हुआ आपको, नींद नहीं आ रही? तो कहने के नहीं। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, आप अपना आप भी आयतल कुर्सी पढ़ लें और दुरूद पढ़ते रहें, और जो कहते हैं कि भाई कलमा पढ़ते रहो नींद आ जाएगी। अच्छा, अब मैं ऑब्वियसली ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बता सकती थी कि मुझे 3 शेडोज़ नज़र आ रहे हैं खड़े हुए खिड़की के पास। अच्छा, खिड़की जो खुलती थी उस रूम की, अगर आप तस्वीरें देखें जेंटिंग्स के, तो वो सारे जो होटल्स हैं ना, दे आर लाइक ऑन अ क्लिफ काइंड ऑफ, बल्कि नॉट ऑन अ क्लिफ, ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन। तो वो माउंटेन के ऊपर सारी बिल्डिंगें सीधी खड़ी हुई हैं, यानी सामने तो पार्किंग वार्किंग है, पीछे खाई है। तो वो जो खिड़की खुलती थी वो खाई नुमा जगह पे ही खुलती थी, एंड इट वॉज अ वेरी डार्क एंड ग्लूमी वो खाई। और मैंने वही, मैं खिड़की से जो आप करते हैं देखते हैं कि भाई व्यू क्या है, व्यू क्या था, कुछ भी नहीं था, खाई थी।
और दूसरी तरफ दूर एक थीम पार्क नज़र आ रहा था। मैं अच्छा खैर व्हाटएवर, हमें तो एक रात गुजारनी थी। अच्छा अब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, वो नहीं गए। मैंने लाहौल पढ़ा, वो तीनों शेडोज़ मूव नहीं किए। उनमें से दो शेडो जो थे ना वो तो फिर भी सीधे खड़े हुए थे, लेकिन एक शेडो जो था वो इतना क्रीपी था, इतना क्रीपी था कि मैं हवास बाख्ता हो गई। क्योंकि मैंने कहा यार ये तो आयतुल कुर्सी से भी नहीं भाग रहा है, लेकिन वो पास नहीं आ रहे थे। वो तीनों वहीं कोने में खड़े हुए थे और उनमें से जो क्रीपी वाला था वो ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहा था कि आहाँ आहाँ करके, वो जैसे होता है ना डेयर करना कि रियली यू गोना रीड दैट रियली। तो मैंने कहा ऐसी की तैसी। अच्छा अब मैंने खैर ऑब्वियसली हस्बैंड को बताती तो हस्बैंड तो कहते कि किसी नट जॉब से मेरी शादी हो गई है। तो बहरहाल लेकिन मैंने अपना आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैं दुरूद पढ़ती रही। अच्छा हस्बैंड ने कहा तुम्हें नींद नहीं आ रही। अच्छा अब हुआ ये, हमें टोटल 4 घंटे गुजारने थे, तो हम दोनों ही विदाउट नोइंग अबाउट द अदर हम दोनों ही कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी और मैं बस पढ़े जा रही थी और मैं उनको देखे जा रही थी। वो एक इंच वो तीनों नहीं हिले, लेकिन वो तीनों इतने ईवल वाइब्स आ रहे थे उन तीनों शेडोज से। मेरे हस्बैंड को नहीं नज़र आ रहे थे बाय द वे कुछ भी, जो कि बाद में डिस्क्लोज़ हुआ। तो एनीवेज रात गुजरी, जैसे ही 6 बजे सुबह के हम भागे, और फिर हमें क्योंकि पहली वो पकड़नी थी केबल कार सनराइज़ देखना था। बहरहाल एंड ऑफ द नाइट फिनिश, कुछ भी नहीं बताया हम दोनों ने एक दूसरे को। उसके बाद फिर जब हम वापस कराची आ गए एक हफ्ते के बाद, फिर बात हुई कि जेंटिंग्स कितना वियर्ड था और कैसा क्राउड था एंड दिस एंड दैट। तो मेरे हस्बैंड ने ये बताया कि जब वो वॉशरूम से बाहर आए और मैं वॉशरूम गई, वो बेड पे लेटे, तो उनको किसी ने उंगली से पोक किया था और कह लें कि बहुत ज़ोर से पोक किया था। एंड दैट इज़ वाई जब मैं बाहर आई हूँ और लेटी हूँ तो वो बहुत हवास बाख्ता से हुए हुए थे, विच ऑब्वियसली मुझे इतना समझ में नहीं आया था। तो मैंने कहा तो सो जाएं कलमा पढ़ें, ये सो जाएं। फिर मैंने उनको ये बताया कि मुझे इस तरह नज़र आ रहा था और मैंने आयतुल कुर्सी भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ी। अब सच्ची बात यह है कि मैं उस वक्त कोई बहुत नमाजी या कुछ नहीं थी, तो मुझे सीरियसली मुझे वज़ू करके नमाज़ पढ़ने का या वज़ू करके किसी किस्म का कोई ज़िक्र करने का कोई ख्याल नहीं आया था मुझे। मैं सिर्फ आयतुल कुर्सी और दुरूद पढ़ती रही थी लेटे हुए। उसके बाद फिर हम लोग नेट पर बैठे और हमने रिसर्च की, तो ये पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे सुसाइड्स होते हैं जेंटिंग्स में, बिकॉज़ पीपल लूज़ मनी इन द कैसीनो एंड देन दे कमिट सुसाइड, एंड दैट इज़ व्हाई देर इज़ अ वेरी हाई रेट ऑफ हॉन्टिंग्स इन जेंटिंग्स। और फिर और भी लोगों ने काफ़ी हॉन्टिंग्स के किस्से शेयर किए। दूसरी जगह के कोई रेस्ट हाउस था उसका शेयर हुआ हुआ है, और फिर एक और मैंने वीडियो भी देखी, उन्होंने एक बहुत ही ग्लूमी सा होटल है उसका, हम तो सेंटर में थे जहाँ से केबल कार का वो था, इतनी वो क्राउडेड जगह थी कि वो सारी बुक्ड थी, लेकिन इट मेक्स सेंस एंड दैट इज़ द रीज़न कि खिड़कियाँ जो हैं वो पूरी नहीं खुलती, बिकॉज पीपल टेंड टू जंप आउट ऑफ द विंडोज़ आउट ऑफ डिप्रेशन। तो ये मेरा सेकेंड किस्सा था जो कि अनर्विंग एंड अ लर्निंग एक्सपीरियंस। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।